दूर दूर तक अकेले अकेले विचरण करने वाले और बिना शरीर के गुफा में रहने वाले ये जो चित्त है, ये चित्त जब तक चंचल है तब तक मार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा उपदेश तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर में रहते समय बागी नैय संग रक्षित स्थावीर के कारण उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद के 37वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। दूरंगमं एकचरं अशरीरं गुहाशयं एकचित्तं संयमे शान्ति मोक्षन्ति मारबन्धना। जो कोई पुरुष स्त्री गृहस्थ या प्रव्रजित दूरगामी अकेला विचरने वाले शरीर रहित गुहाशायी चित्त को संयमित करेंगे वे मार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। साधु साधु साधु।